you trust in us, and we'll be champions. एक गीत मित्रों, बड़ा प्रसिद्ध गीत है, मैं तो उसको कहता हूं कि इसको राष्ट्रीय गीत बना देना चाहिए, हर राष्ट्रीय उत्सव में इसको बजाया जाए। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ये राष्ट्रीय गीत बना देना चाहिए, हर फंक्शन पे, हर राष्ट्रीय देश के हर उत्सव पर बजाया जाना चाहिए। एक एक वर्ण, एक एक पद, एक एक पंक्ति, उसका एक एक शब्द। जब मरने लगे तो कहते हैं अब हम तो सफर कर, खुश रहना देश के वह प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। आज जो सफर कर गए हमारे लिए, हमारे पास उनके लिए, उनके परिवार के लिए, हमने कभी पता किया कि इनका परिवार कहाँ है? हमारे राजनीतिक लोगों ने पता किया इनका परिवार कहाँ है, कितने पुत्र कहाँ से ले? हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे, संवेदन शून्यता इतनी दूर तक घर कर रही। तो आज का जो युग है, इतना हिंसक युग है, मैंने बताया आपको। और अखबार तो आज के युग के दर्पण हैं, उनको तो मेरा मन पढ़ने का ही नहीं करता। ऐसी भी खबरें जो मुंह से कहीं न जा सके, आपके सामने मैं कह नहीं सकता, मैं बूढ़ा व्यक्ति, आप मेरे बेटे, बेटी बेटों के सामने वो अखबार पढ़ा नहीं जा सकता। कहाँ गई संवेदना, कहाँ गया हमारा समाज? आने अभी आश्विन महीने का देवी के नवरात्रों का समय आएगा, जब कंचिकाओं को हम अपने घर ढूंढ ढूंढ कर ले जाएंगे और देवी का रूप दे करके, चंदन लगा करके, पांव धो करके उनका, फिर उनको कन्या जिमाएंगे, फिर उनको भेंट करेंगे, और उन्हीं के साथ छी, ऐसी भी असंवेदन शून्यता। जिस कल्चर की बात लेकर हम पैदा हुए, जिस जमीन में हम पैदा हुए, उसकी इतनी बड़ी बेकदरी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, 76 साल के जीवन में हमने नहीं देखी मित्रों। इसलिए हमने जानबूझ करके इस विषय को रखा था कि युगीन परिवेश, यानी हमारे युगीन परिवेश हिंसक, नितांत हिंसक परिवेश, हम सभी हिंसक, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल, थोड़ा हो या ज्यादा हम शामिल हैं उसमें। हम इसलिए शामिल उसमें हो जाते हैं, इस अहिंसक परिवेश को देखकर हम चुप हो जाते हैं, चाहे हमारी मजबूरी है, शारीरिक कमजोरी कह लीजिए, आर्थिक कमजोरी कह लीजिए, सामाजिक कमजोरी कह लीजिए, हैं हम। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि अगर एक बार हम सब प्रतिज्ञा कर लें कि टोका टोकी, कई बार मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, अभी उस दिन डीएन कॉलेज में हिंदी वाले विषय पर हिंदी दिवस के दिन बुलाया था जजमेंट के लिए, तो मैं यही बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों ये तुम्हारे गुरु लोग हैं और तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, विद्यादान नहीं, जीवन दान दे रहे हैं, सिलेबस के माध्यम से तुम्हें केवल सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं, समय समय पर जिंदगी भी पढ़ा रहे हैं, जीवन भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनके प्रति कृतज्ञ हो। और तुम इतना शोर मचा रहे हो, और कोई बच्चा पढ़ने जाता था देशभक्ति की कविता, देशभक्ति की कविता पढ़ने के लिए, जान लीजिए देशभक्ति की कविता कोई पढ़ने लगेगा तो नई पीढ़ी को जैसे गले में फांसी डाल दिया। फिल्मी गीत गाते तो बड़ा अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है, देश की बात करो, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घृणा नई पीढ़ी में, जिस नई पीढ़ी के कंधे पर भार हम देने जा रहे हैं, जिस नई पीढ़ी को सहेज कर जाएंगे, हमारे शहीद कहकर गए हम जा रहे हैं, तुम्हारे हवाले रह देश करके जा रहे हैं, उस पीढ़ी का की ये दशा है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे बाजारवाद इतना हावी, हर चीज बाजारवाद, हर चीज रिश्ता भी आजकल देन लेन पर हो, चाहे गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, माता और पिता का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, हर चीज ऐसा पहले नहीं था, और था भी, रहा भी हो तो नाम मात्र।
प्रतिशत बहुत कम हुआ करता था। आज इसी चीज का, इसी असंवेदनशीलता का जो प्रतिशत है इतना बढ़ गया है कि आज हमें आपको विवश कर दिया है, कैसी होगा। और मित्रों कभी कभी तो हमारे पिताजी बड़े साधारण से किसान थे, सवेरे नहा धो करके दोपहर को 11 बजे पहले तो नहाते नहीं थे, खेत में काम करके आते थे, नहा करके रामचरित मानस का पाठ करते थे। रामचरित मानस रामायण का पाठ करते थे, उसमें भरत प्रसंग आता था, लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आता था, सीता जी और भगवान हनुमान जी स्वामी के, जब सीता माता ऐसे आंचल फैलाती हैं, हे अशोक वृक्ष लाल लाल फूल तुम्हारे अंगारे की तरह हैं, एक अंगारा बन के गिर जाओ मैं जल के मर जाऊँ, अब दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा है, रावण इतना कष्ट दे रहा है दुख में। और उसी समय भगवान हनुमान जी अंगूठी गिरा देते हैं, अंगूठी गिरा देते हैं, कहाँ तो आग मांग रही थी एक अंगूठी। उनको संकट भी और प्रसन्नता दोनों एक साथ, प्रसन्नता तो ही नाम लिखा हुआ, संकट इस बात का कि वो तो अंगुली में पहने हुए थे और यहाँ पेड़ के ऊपर से किसने गिरा दिया। और तब रामचरित मानस में भी है, और केशवदास नाम के एक कवि ने लिखा, सीता जी अंगूठी से कहती हैं, देखिए संवेदना हमारी यहाँ, सीता जी कहती हैं अपना दुख भूल गई, सीता जी कहती हैं मुदरी भी स्त्रीलिंग है, जेंडर मुदरी, सीता भी स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी भी स्त्रीलिंग है। उन्होंने कहा कि श्रीपुर में, अरे हे मुदरी, श्री माने लक्ष्मी ने, अयोध्या की लक्ष्मी ने तो अयोध्यापुर में ही भगवान का साथ छोड़ दिया था। जानते हैं जब वरदान मांगा था कैकेयी ने, तो वरदान के साथ एक कड़ी शर्त थी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, राम 14 साल वन में रहेंगे, तपस्वी की वेशभूषा होगी, उदासी व्रत होगा, एक कानी कौड़ी की भी चीज अपने साथ 24 घंटे में रख नहीं सकते, ठीक है जो दे दिया खा लिया पी लिया। ऐसे कठिन व्रत को लेकर के जा रहे हैं। सीता ने कहा मुदरी, श्रीपुर में लक्ष्मी ने अयोध्यापुर में ही राम का साथ छोड़ दिया, वन मध्य हों और वन के बीच आकर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वो राम का साथ छोड़ दिया, श्रीपुर में वन मध्य हों और तू मग करी यानी तूने रास्ते में का साथ उनका छोड़ दिया, रास्ता चल रे मुदरी, अब तियन की को करी है प्रतीत, हे मुदरी अब औरत की कौन सा ऐसा पति होगा, कौन सा मनुष्य होगा जो औरत पर विश्वास करेगा, तीनों हम औरतों ने जबकि कठिन समय में साथ देना चाहिए था, लक्ष्मी जी ने अयोध्या में साथ छोड़ दिया, मैंने जंगल में आकर के साथ छोड़ दिया और रावण हर ले आया हमें, एक तू ही बची थी उनकी अंगुली में और तूने भी रास्ते में गिर करके और उस साथ छोड़ दिया, कौन प्रतीत। विश्वास, आदमी आदमी के बीच बहुत बड़ा विश्वास होता है, हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था, आज वो विश्वास कहाँ है। मित्रों आप अखबार पढ़ करके डाल देते हैं, मैं अखबार पढ़ करके घंटों हाथ में लिए हुए जाने कहाँ कहाँ खो जाता हूँ। बहुत पहले जब मैं बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो वहाँ हमारे गुरुजी दर्शन शास्त्र के विद्वान पंडित बद्रीनाथ शुक्ल, किसी ने उनको बताया था कि हमारा एक भाई है मामा का लड़का, वो अफ्रीका या कहाँ रहता है, और उसका पड़ोसी एक था तो आया था, वो तो बताने लगा कि भाई कुल 3 दिन शादी के हुआ था वहाँ के रहने वाले उस अंग्रेज का जो हमारे उनके मामा के लड़के का साथी था पड़ोसी, कहने के 3 दिन शादी हुए हुआ था और 4th दिन रोज़ की तरह वो अपने ऑफिस चली गई और मियाँ अपने ऑफिस चले आए, जब घर पहुँचे मियाँ दरवाजे पर ताला लगा था और अंग्रेजी में लिखा था नो मोर, नो मोर, माने बस ये 2-3 दिन के बाद अब कोई और कुछ नहीं आगे और नहीं साथ। तो बद्रीनाथ शुक्ल उस वक्त हंसे गुरुजी के, गुरुजी हमारे पूरा बड़ी पुरानी बात हो गई लगभग 25-30 साल पहले, कहने लगे सब झूठ है, ऐसा हो सकता है, सब झूठ है, ऐसे हो सकता है। और ऐसा हर अखबार में रोज हम पढ़ रहे हैं,
अब उससे भी कमाल कमाल की उलझी हुई घटनाएं पढ़ रहे हैं। क्यों, कौन ये सब करवा रहा है हमसे? अरे मित्रों, हम ही लोग हैं, बचपन में बड़ा अभाव देखा है, खाने की कमी थी, पहनने की कमी थी, पानी की कमी थी, रोटी की कमी थी, किताब की कमी थी, सब कुछ। और तब हम नहीं टूटे, तब हमारा परिवार नहीं टूटा, तब हमारा पति पत्नी का संबंध लालित्य से भरा हुआ, रस से भरा हुआ रहता था। आज हमारे पास, सबके पास खाना है, पीना है, कपड़ा है, महल अटारी न सही, बढ़िया मकान है, और वगैरह वगैरह क्या कुछ कैसे करें। और फिर हम सिवाय टूटन लेकर जी रहे हैं, जुड़ाव कहाँ गया, जुड़ाव हमारे जीवन। आज इस पर विचार करने की जरूरत, बहुत विचार करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और कौन होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया वाले आए करेंगे हमारा प्रतिनिधित्व, पाकिस्तान के आतंकी आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे? प्रतिनिधित्व तो हमारी नई पीढ़ी को ही करना है, और उनको, नई पीढ़ी को इस बात से वावस्ता रखना है हमें कि बेटे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने माता पिता, ये जो है हमारी, हमारी संस्कृति के, हमारे जीवन मूल्य, जीवन मूल्यों के जो उपादान हैं, जो लक्षण है, उपकरण है, सामग्री हैं जीवन जीवन के, इनको बनाए रखो, इनको जिंदा रखो। अगर ये जिस दिन मर जाएंगे, उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा, न सर्वोदय होगा, न गांधी जी रह जाएंगे, गांधी जी का नाम नाम रह जाएगा, सरदार पटेल का नाम नाम रह जाएगा, शास्त्री जी का नाम नाम रह जाएगा, और फिर इसके बाद रणदीप सुरजेवाला रह जाएंगे, राहुल गांधी रह जाएंगे, सोनिया गांधी रह जाएंगे। तो ये आज बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। अब एक बात और आपसे कह करके मैं विराम लूंगा, हमारी संवेदना क्यों सूख रही है, इसका भी मैंने अपने ढंग से सोचा है। ये बड़ा बुद्धिवादी जो है, जितने ज्यादा हम टेक्निकल होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा बुद्धि हमारी बढ़ती जा रही है, ये सूना होता जा रहा है, इसका समझ रहे हैं, हृदय, हृदय हमारा खत्म होता जा रहा है। किसी से पूछिए आज, यार आओ मन की बात करो, मन का, मन क्या होता है, तन की बात, तन के लिए कपड़ा, तन के लिए खाना, तन के लिए ये, इसकी बात करो, बुद्धिक बौद्धिकता की बात करो। कहें क्या पढ़ रहे हो? कहें पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, नारक, अच्छा साहित्य, कहें ये किस चिड़िया का नाम है, साहित्य क्या होता है? साहित्य ही सब कुछ होता है। अगर इन बच्चों को साहित्य नहीं पढ़ाया गया, लिटरेचर नहीं पढ़ाया गया, प्रेमचंद की कहानियां नहीं पढ़ाई गई, आज के समय का, समय की कविताएं, कहानियां, गीत नहीं पढ़ाए गए, रामचरित मानस की प्रसंग बस रामचरित मानस नहीं बताया गया, प्रसंग बस महाभारत की, द्वापर युग की बातें नहीं बताई गई, कल्चर की बातें नहीं बताई गई, तो आखिरकार ये तो खाली ऊपर से देखने में है, और ये इस्पात का हृदय है, संगमरमर का शरीर है इनका, ये किसी के आंसू और खून से बेअसर हो जाएंगे। खून और आंसू से बेअसर हो जाना देश के लिए, धरती के लिए, मनुष्यता के लिए बहुत बहुत बड़ा संतरास, बहुत बड़ा कष्ट होगा। आओ मिलकर के हम इस पर सोचें, हम संवेदना को हमेशा उजागर बनाए रखें, एक आदमी और आदमी के बीच में अपनत्व हो, सब कुछ बाजार को समर्पित कर देंगे, सारे रिश्ते बाजार को समर्पित कर दिया, सारा घर द्वार समर्पित कर दिया, तो बाजार में तो भाई दो ही आदमी होते हैं, एक शॉपकीपर होता है और एक खरीदार, तीसरा होता है, वो दोनों के बीच में आदान प्रदान कराता है पैसा, तीनों के बीच में ही जिंदगी है क्या मित्रों? ऐसा नहीं, शॉपकीपर और दुकानदार और ग्राहक हम नहीं बने, हम पैसे का लेन देन ही नहीं करते, हम मनुष्यता का लेन देन करते हैं। पैसा तो नंबर दो की चीज हमारे लिए रहा है, पैसा हमारे लिए साधन रहा है, साध्य नहीं, आज पैसा साध्य बन गया है, हमें पैसा कमाना है, नई पीढ़ी कहती है हमें वहां पहुंचना है,
कहाँ अब वो जाने, हमें वहां पहुंचना है। और हमें जब तक कम से कम 1,00,000 रुपए आजकल पैकेज होता है, हम लोग जमाने पैकेज वैकेज नहीं थे, हम डिग्री कॉलेज जब लगे थे तो 700-1600 के ग्रेड पर मिले थे, पहली तनख्वाह मिली। अरे बाबा क्या बात, इतना पैसा, अरे क्या बात। चलो आप यहाँ कह सकते हैं कि गुरु जी आपके जमाने में बड़ी सस्ताई थी, सस्ताई महंगाई आम आदमी में, जो सीधा साधा आदमी होता है उसके लिए सब दिन बराबर ही होते हैं। तब भी रबड़ की तरह दिन को खींच खींच कर जीते थे, आज भी वैसे जीत रहे। अध्यापक के पास जो असली अध्यापक है, जो सीधा साधा आदमी है, गांव का आदमी है, गांव की ज़मीन से जुड़ा आदमी है, माता पिता के तपस्या धर्म और उनके आशीर्वाद से जुड़ा आदमी है, उसके पास पैसा नहीं होता। हाँ ये जरूर है परमात्मा रोटी दाल दिए रहे, वह इसमें खुश है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बड़ा खबरदार रहता है कि भाई बिगड़ने ना पाए, क्योंकि सब कुछ है और बच्चे नहीं। हमारा पोता भिवानी के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था, कर चुका है, कभी कभी मिलने में जाता था, उसके बगल में ही वृद्धाश्रम था। एक दिन मेरे मन में हुआ कि तुमने राधेश्याम वृद्धाश्रम पर बड़ी कविताएं लिखी हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं। मैं चला गया मित्रों, बड़ी छोटी सी घटना है, चला गया और वहाँ 5-7 बूढ़े और 5-7 बुढ़ियाएँ अलग अलग बैठी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, 3-4 गाय रखी थी, उनके लिए नौकर चाकर अनाज और चारा वारा दे रहे थे। बूढ़े बैठ गए तो मैंने कहा आया था है मित्र, इससे बातचीत कर। तो बूढ़े से मैंने कहा कि आप हम आप भाई साहब आप हैं और भाभी हमारी वो भी आई हुई, कहें हाँ। हम कहा जरा सा उनको भी बुला ली, दोनों आए अलग बैठ गए। हमने कहा अच्छा यहाँ कैसा अनुभव करते हो। इतना कहते हैं आप विश्वास मानिए दोनों रोने लगे, कहने लगे शास्त्री जी पोती पोते की कल्पना होती है इस उम्र में, क्या करते कैसे मिल जाए पोता पोती खिलाने, पोता पोती कभी देखने नहीं आते, बहू रानी देखने नहीं आती। तो हमने थोड़ा सा पैतरा बदला कि हमने सुना है यहाँ तो बच्चे आपके लिए पैसा दे जाते हैं, यहाँ टाइम पर चाय मिलती है सब। बुढ़िया बोली कि बहू के हाथ की चाय कहाँ है, बहू जिसको हम लाए थे वो बहू के हाथ की चाय आप पीते हैं। हमने कहा हाँ मैं पीता हूँ। कहा आप धन्य हैं, बहू के हाथ की चाय कहाँ है जिसको मैं लाए। सवेरा उठते ही पोता रोने लगता है तो हम लोग फट से जाकर अरे लिया मुझे दे, क्या रुला रही है सर, क्या मुझे दे, मैं सुला देती हूँ। का ये सब चीजें कहाँ हैं, यही जीवन है, यही जीवन है और जीवन का लालित्य यही है, जीवन का सारस्वत प्रसंग यही है, इसी को हम संवेदना कहते हैं। राम न करे कि वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिले, हो सकता है हमें भी जाना पड़ जाए, आपको भी जाना पड़ जाए। एक गजल का शेर लिखा था, वृद्धाश्रम रोया, भूल जाता हूँ, अब अल्जाइमर का शिकार हो गया हूँ। तो अब वहाँ हमने में लिखा था कि वृद्धाश्रम रोया, आँखों में उतरी उदासियाँ, मन ही मन में गम रोया। बाद में उस बुढ़िया ने उन्होंने बेटी को विदा किया था, दरवाजे पर शास्त्री जो छापा हल्दी का छापा मारा था वो नहीं देखने को मिलता। क्या क्या कर, मैं ऐसा लगा जैसे मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। और मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा मैं चल रहा हूँ और गीली आँख लिए मैं चला आया। आज भी जब उनका ध्यान है, वो आने के बाद वो मैंने वो गज़ल लिखी है, कभी भी सुनाऊँगा आपको। और इसके बाद मैं आ गया दोबारा, फिर वहाँ जाने का मौका मिला भी तो मैं नहीं जा पाया, नहीं जा पाया मैं। तो ये संवेदना राम करें, इसी सारस्वत मंच से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम लोगों के अंदर की संवेदना बची रहे, हम लोगों के अंदर का अपनापा बचा रहे, हम लोगों के अंदर का जुड़ाव बचा रहे, हम लोगों के अंदर का राग तत्व बचा रहे और तब हमारा देश बचा रहे।
पहले देश फिर हम, देश रहेगा तब न हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काफी विस्तार से और साहित्यिक अनुभूति और प्रवेश विकसित करते हुए इस युग को अपने ढंग से परिभाषित किया। चूंकि 76 साल की उम्र में इस मंच से बोलना और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम 75 साल की एक पीढ़ी मान लें, तीन पीढ़ियों के प्रत्यक्षदर्शी, और उस प्रत्यक्ष दर्शन में जिस तरह का एहसास करा रहे थे कि साहित्य कुछ और कहता है कि मारने वाला और बचाने वाला, उसके अंदर किस तरह का संबंध होता है और उनमें कौन महत्वपूर्ण होता है, और आज चलते चलते हम कहां पहुंच गए। हर चीज बाजार में ढूंढते हैं और बाजार में मूल्यों का निर्धारण होता है, तो ऐसी स्थिति में जब साधनों की होड़ में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें से साधना गायब होती है, संवेदनाओं का कत्ल होता है। और इसलिए आज हम जब टीवी पे कार्यक्रम देख रहे होते हैं, समाचार सुन रहे होते हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, कई बार ऐसा लगता है हम इंसानों के देश में नहीं, दरिंदों के देश में पैदा हुए, क्योंकि पूरे के पूरे अखबार में दरिंदगी की 50 खबरें मिल जाएंगी, मानवीय पक्ष को दर्शाने वाली शायद कोई खबर नहीं मिलेगी। तो हिंदी दिवस को ध्यान में रखते हुए एक साहित्यकार विश्लेषण करता है अपने युग का और चुनौतियां भी रखता है। कम से कम सर्वोदय के मंच को ये तो एक उपलब्धि के तौर पे प्राप्ति होती है कि यहां पर आदमी आकर अपनी बात कह सकता है, युग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमें एहसास कराया है कि अलार्म बज रहा है। अलार्म उठने का संकेत होता है और लगाने वाला उसको लगाता है कि मैं उठ जाऊं। अलार्म कभी किसी व्यक्ति को उंगली पकड़कर नहीं उठा सकता, अलार्म सोने वाले व्यक्ति के चेहरे पर पानी की बूंदे मारकर उसको उठाने का प्रवेश नहीं देता, केवल उसको संकेत देता है कि आपने इस समय बताने के लिए कहा था कि क्या समय हो गया है, और अलार्म उसे बताता है। तो समाज कहां है, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, अलार्म बज रहा है। हम उस अलार्म की भाषा को कितना समझ रहे हैं ये हमारी समझ पर निर्भर है, और निश्चित तौर पर शिक्षण संस्थाओं का माहौल और हमारा व्यवसाय दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो हमारा सेवा काल का थोड़ा अंश बचता है आगे, क्या हम उसको ठीक ठाक पूरा कर पाएंगे। और यदि इस तरह की स्थितियों के बीच में हम गुजरते हैं तो दायरे बहुत कुछ निर्धारित होते हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर शुक्ला जी के, जिन्होंने अपनी सारी भावनाओं को, संवेदनाओं को अभिव्यक्ति में और जिस तरह से स्पष्ट किया वो हमारी समझ को और बेहतर करता है। हालांकि हम सब इसी में जीते हैं, लेकिन साहित्यकार उसकी अभिव्यक्ति का कारण बनता है, और आज वो बने हैं
हम उम्मीद करेंगे भविष्य में भी हमें उनसे इसी तरह से सुनने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, क्योंकि विचार की ताकत यही होती है कि जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ता है उतनी समझ के साथ उसमें बदलने की ताकत होती है। हम एक बार फिर आभारी हैं उनके कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारा अनुरोध स्वीकार किया। इसके बाद 23 तारीख को, अभी हम कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए हैं, दो चीज़ें चल रही हैं इसलिए उसके बारे में भी फैसला होगा कि 23 तारीख को हरियाणा शहीदी दिवस है जो 1857 को समर्पित है, और 28 तारीख को भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का जन्मदिन भी है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को इसके साथ जोड़कर उस दिन के कार्यक्रम को रखेंगे। और उसके बाद एक विशेष प्रोग्राम की यहाँ पर योजना बन रही है, 6 तारीख को महिलाओं के 4 जत्थे इस राष्ट्र के 4 अलग अलग कोणों से चले हैं, एक गुवाहाटी से, एक सौराष्ट्र से, एक कन्याकुमारी से और एक कश्मीर से, अमन के, महिला सशस्त्रीकरण के, महिलाओं की जो समझ है उसके दायरे को विकसित करने के। तो जो श्रीनगर जत्था चला है वो 6 तारीख को हिसार में उसका पड़ाव है, तो हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं और उन लोगों की योजना को इस तरह से विकसित कर रहे हैं कि उस दिन दोपहर बाद यहाँ हम उनका अभिवादन करें और उनके विचारों के साथ जुड़ें। और वो अब तक जो जानकारी मिली है 25 लगभग महिलाओं का ग्रुप है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको जो है थोड़ा बहुत पैसे की सपोर्ट की है और वो इसी संदेश के साथ, अमन का संदेश लेकर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारा अनुरोध स्वीकार होता है तो हम आप लोगों से फिर कष्ट करेंगे ताकि हम उनके साथ जुड़ें और इस तरह का कार्यक्रम, लगभग 10 से ज़्यादा राज्यों की महिलाएं हैं, वो 25 संख्या में हैं, तो उनके किस तरह के अनुभव हैं, क्या उनका उद्देश्य है, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। एक और व्यक्तिगत बातचीत मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से करना चाहूँगा कि मेरी एक किताब, जैसा कि शुक्ल जी बता रहे थे, उन्होंने भी एक कृति की है हिसार के ऊपर, हिसार ए फिरोजा, वो प्रेस में आ चुकी है और पब्लिश भी हो चुकी है और बाइंडिंग के प्रोसेस में चल रही है, तो उसके विमोचन का भी हम कार्यक्रम रखेंगे, हो सकता है किसी रविवार की गोष्ठी को उसके साथ जोड़ लें, तो उसमें भी आप लोगों का सानिध्य और अपनेपन की जरूरत रहेगी। और प्रयास किया है, लगभग 6 साल लगे हैं उसके पूरा होने में, कि हम हिसार को एक नए ढंग से समझ पाएंगे और हिंदी में वो किताब हिसार ए फिरोजा के नाम से आप लोगों को समर्पित होगी। तो इस जिस भी तरह के कार्यक्रम होंगे वो आपके साथ जोड़ दिए जाएंगे और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप इस सर्वोदय भवन को, इस गोष्ठी को समृद्ध बना रहे हैं अपनी उपस्थिति से, और समृद्ध बनाएंगे और अच्छे करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज के वक्ता के प्रति विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद। जय हिंद।